18 के शव बरामद कर लिए गए हैं। करीब इन्हीं में से 25 और 35 लोगों को रेस्क्यू किया गया है जो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वहीं तपोवन के एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट में एक सुरंग के अंदर काम कर रहे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। सुरंग में ही कई लोग फंसे हुए हैं, कई लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। पुलिस, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जरिए से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार नजर बनाए हुए हैं और जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है। आपको बता दें कि वहीं राज्य सरकार 4 और केंद्र सरकार 2 लाख रुपए की सहयोग राशि देगी मृतकों के परिजनों को। वहीं सीएम रावत ने कहा कि डीजीपी कल से ही इस क्षेत्र में कैंप किए हुए हैं। कमिश्नर गढ़वाल और डीआईजी गढ़वाल को भी आज से क्षेत्र में कैंप लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि आपदा में सड़क पुल बह जाने की वजह से नीति वैली के जिन 13 गांव से संपर्क टूट गया है, गांव को जिला प्रशासन हेलीकॉप्टर के जरिए से राशन, मेडिकल और रोजमर्रा की चीजें पहुंचा रही है। और जोशीमठ में जल प्रलय के आज दूसरा दिन है और ऐसे में भी राहत बचाव कार्य जो है वो अभी भी जारी है। जानकारी के मुताबिक 203 लोग लापता हैं, जिसमें से कि 18 के शव बरामद कर लिए गए हैं और 25 से 35 लोगों को रेस्क्यू भी कर लिया गया है। पूरी तरह वॉकआउट हो गया, कुछ भी देखने को नहीं बचा है। और वहां से 5 किलोमीटर दूर तपोवन गांव के पास, ये तपोवन विष्णु घाट जो परियोजना है उसका काम चल रहा है। इसमें बड़ी संख्या में श्रमिक काम कर रहे थे क्योंकि निर्माणाधीन कार्य। अभी तक जो पूरा आंकड़ा आया है 203 के आसपास मिसिंग की खबर आई है। कल तक जो लोकल ग्रामीण की जो खबर थी वो 7 लोगों की, आज उसमें 4 लोगों का और खबर आई है। और एक जो आंकड़ा है 203 क्रॉस किया है, जो आ रहा है आपका 203 के आसपास आ रहा है और 4 बॉडी और रिकवर हुई है। तो कुल मिलाकर अभी तक 11 बॉडी रिकवर हुई है। जो रिकवर हुई है और जो मिसिंग है कुल 203 की अभी तक। हमारा जो आर्मी आईटीबीपी का फोर्स रिक्रूटमेंट में था वो इम्यूनिटी उनकी तरफ से मोबिलाइज हुआ है। मोर देन 300 पर्सनल उनका बुलाए हुए थे और उसके अलावा उनका मेडिकल टीम एज वेल एज इंजीनियरिंग टीम है वो भी डिप्लॉयड है। हमारे एसडीआरएफ का मोर देन 50-60 जवान थे वो ऑलरेडी पहुंच गए हैं, दे आर ऑन एक्शन। और हमारा जो एनडीआरएफ है वो भी कल शाम को स्टेटमेंट पहुंच गए थे और बाई रोड एज वेल एज बाई चॉपर उनको भी हमने साइट पर पहुंचा दिया है। वो भी 120 प्लस मैन टीम है और वो भी दे विल बी स्टार्टिंग देयर एक्शन इमीडिएटली। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कमल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, जिस प्रकार से जोशीमठ से जल प्रलय की ये भयानक तस्वीरें हमारे सामने आ रही है, ऐसे में 203 लोगों के लापता होने की खबर भी है, इसको लेकर ताजा अपडेट क्या है, क्या कुछ पूरी जानकारी है, फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति है, एक बार आपसे जानना चाहेंगे। जी पूजा, सबसे बड़ी बात कहें तो कल जो ये लगभग सुबह की घटना है, लगभग 9:30 बजे की जो घटना हुई है, उसके बाद यहाँ पर कहें तो जब पूरी तरह से अलर्ट हो गया था यहाँ पर जोशीमठ से लेकर और हरिद्वार तक पूरा अलर्ट हो गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि घटना सुबह की थी, रविवार का दिन था और सारा मौसम खुला हुआ, यात्रा चल नहीं रही है। तो ये घटना को सरकार ने, केंद्र सरकार राज्य सरकार की दोनों ने मदद से इसको, इसका नुकसान कम से कम किया जाए, इसके लिए लगातार प्रयासरत है। वही रहा कि अब अगर हम बात करें तो जो वहां पर जो टनल में जो पावर हाउस जो डैमेज हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, जो वहां लोग काम कर रहे थे और जो सुरंगों में फंसे गए थे और कुछ ग्रामीणों की मरने की लापता होने की खबरें हैं। और अभी मैं आपको बताऊं, जो अभी मैं खुद यहां पर चमोली में हूं, यहां से लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 100 किलोमीटर आगे ये जगह है जहां पर ये घटना हुई है, 100 किलोमीटर। तो रात की सारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और रात देर रात तक ये बचाव कार्य चलता रहा। और सबसे बड़ी बात जो है कि 2.5 किलोमीटर की एक सुरंग है वहां पर, जिसमें काफी लोगों होने का अंदेशा बताया जा रहा है। और जितनी भी आईटीबीपी है, सेना के जवान, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है,
ये प्रयास कर रहे हैं कि अंदर जाके जो लोग क्या स्थिति है वहाँ, कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, उनको कैसे निकाला जाए। तो काफी हद तक ये उम्मीद है कि आज सफलता मिल सकती है। लगातार कल से प्रयास किया जा रहा है और जो छोटी सुरंगें थी जो थी वहां तो पहुंच गए। और अभी तक अगर बताया जा रहा है जो सरकारी आंकड़े हैं, क्योंकि इससे मुख्यमंत्री ने भी अभी कहा है कि 203 लोगों की जो है अभी लापता होने की सूचना मिली। और मैं बताऊंगा अभी तक अगर हम बात करें अभी लगभग एक घंटे पहले की, तो 18 शव जो गंगा में बह के आए हैं वो जगह जगह पुलिस ने या एनडीआरएफ की टीम ने निकाले हैं। और लगातार अगर कहें तो ये राहत कार्य जारी है और लगातार वहां पर हम कहेंगे डीजीपी जो है यहाँ पर वो वहां पर उपस्थित हैं, कमिश्नर उपस्थित हैं, जिला अधिकारी उपस्थित हैं, सेना के जवान हैं, आईटीपीपी के जवान हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, जो दिल्ली से भी यहां पर आई हैं टीमें वो लगातार जुटी हुई हैं। और कुछ ऐसे जो पुल्स टूट गए थे जिससे 13 जो गांव हैं वो इस संपर्क से कट गए हैं, तो वहां पर हेलीकॉप्टरों के माध्यम से वहां के लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी जा रही है। कुछ बता रहा है कुछ लोग भी वहां के लापता हैं, अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, आंकड़े भी पूरे नहीं आए हैं। तो यही लगातार यही प्रयास किए जा रहे हैं, जो लोग फंसे हुए हैं उनको राहत पहुंचाई जाए और जो लोग लापता हैं उनका ढूंढने का प्रयास किया जाए। और राहत कार्य लगातार जारी है, सारी टीमें बताया कि जो 13 गांव है उनसे संपर्क टूट चुका है क्योंकि सड़क और पुलिया जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो ऐसे में क्या प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से ऐसी कोई चीजें की जा रही हैं जिससे कि वो जो संपर्क टूटा है उसे बहाल किया जाए? हालांकि जरूरत की चीजें जरूर लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन क्या इसके बावजूद और भी कई तमाम चीजें होती हैं जिससे कि लोगों को जरूरत होती है? तो ऐसे में क्या उन चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी की गई है, कुछ खास कदम उठाए जा रहे हैं? जी पूजा, अगर हम बात कहें तो प्रशासन के लोगों से हमने बात करी है, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो लोग यहाँ पर जो हमारी है कि राहत कार्य में ढीली ना आए, राहत कार्य जोरों पे किए जाएं, जो लोग फंसे हुए हैं या जो लोग लापता हैं उनको जल्दी से जल्दी ढूंढा जाए। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया, जो टनल है लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी टनल है, अभी वहां तक पूरा अंदर तक नहीं पहुंच पाए हैं आईटीपीपी और सेना के जवान। कल देर शाम तक प्रयास किया था, आज सुबह फिर प्रयास कर रहे हैं कि जो मलबा है उसको निकाल के अंदर तक देखा जाए कि वहां कितने लोग हैं, कि कोई जीवित है या नहीं है, या कितने लोग अंदर थे, वो सारी जानकारियां प्रयास किया जा रहा है। और मैंने बताया जो वहां जो पुल टूट गया था उसको भी अभी कैसे बाद में देखा जाएगा कि उसको कैसे ठीक किया जाए। फिलहाल जो संपर्क में टूट गए जो 13-14 लोग गांव के लोग हैं उनको एक पैकेट खाने के पैकेट, मतलब जिसमें आटा चावल दाल और कई चीजें जो आवश्यक सामग्री होती है वो बनाए जा रहे हैं, बना के वहां पर दिए जा रहे हैं जिससे लोगों को खाने पीने की दिक्कत ना हो, ये प्रयास किए जा रहे हैं। और साथ ही सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ का मौसम लगातार पूरी तरह खुला हुआ, धूप पूरी तरह खुली हुई है, तो इसलिए जो राहत कार्य जो लगा है उसमें कोई दिक्कतें नहीं आ रही है, अब तक चल रहा है। और जहां जरूरत पड़ रही है वहां हेलीकॉप्टर की सुविधा ली जा रही है, पर प्रयास यही किया जा रहा है कि लोग जो फंसे हुए हैं, जो कुछ है, उम्मीद है क्या पता कोई उसमें जिंदा भी हो, तो उनको जल्दी जल्दी निकाला जाए, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हर प्रकार की सुविधा जो है जनता को उपलब्ध कराई जा रही है ताकि किसी प्रकार की जो परेशानी है वो जनता को और ज्यादा झेलना न पड़े, मुआवजे की घोषणा